गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज द सिलेबस फॉर द प्लस वन क्लास बायोलॉजी. सो देयर आर फाइव यूनिट्स इन योर लाइफ साइंस एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन आर यूनिट वन जो है वो आपकी दैट इज अप टू 5 to 6 मार्क्स की है. वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इसमें जो चैप्टर है आपका सबसे पहला लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपने पढ़ना है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. चैप्टर टू जो है वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज़ कैसे उनको हम प्लांट्स को और एनिमल्स को फर्दर कैटेगरीज में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, या बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे हम डिवाइड करते हैं फर्दर कैटेगरीज में. प्लांट किंगडम है उसके एक अलग से चैप्टर है, एनिमल किंगडम है उसका अलग से चैप्टर है. सेकेंड जो यूनिट है ये जो यूनिट है फर्स्ट ये 5 या 6 मार्क्स की है. और यूनिट टू जो है वो आपकी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इसका जो चैप्टर नंबर 5 है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स और चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. तो चैप्टर 5 जो है वो बोलता है कि हम प्लांट्स को कैसे हम बाहरी इससे देखते हैं, जैसे प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स. जो भी हमें बाहर से चीज़ें दिखती हैं उसको हम कैसे फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनको कैसे डिवाइड करते हैं. एनाटॉमी मतलब जब हम उसको अंदर से उसको डाइसेक्ट करके देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखेगा प्लांट. चैप्टर 7 इज अबाउट द वेरियस टिश्यूज जिसकी हमारी बॉडी बनी हुई है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एपिडर्मिस टिश्यू हो गया, जिनकी हमारी एनिमल्स की बॉडी बनी हुई है. आप बोल रहे हो बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यू हैं जिनकी टिश्यूज़ की हमारी बॉडी बनी हुई है. ये जो सेकेंड यूनिट है ये आपकी आती है 8 या 9 मार्क्स की, थोड़ी सी वैरी करती है एक नंबर की. जैसे फर्स्ट यूनिट जो है वो 5 या 6 की होगी और सेकेंड यूनिट जो 8 या 9 इतने मार्क्स की होगी. यूनिट थर्ड है हमारी सेल, जो आपने 10th या 9th में आपने पढ़ा है कोशिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोशिका जिसको बोलते हैं, उसकी संरचना और उसके कार्य क्या हैं. सेल इसका चैप्टर 8 है दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल के बारे में पढ़ना है, इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं. चैप्टर 9 है बायो मॉलिक्यूल्स, ये केमिस्ट्री का चैप्टर भी है प्लस टू में, तो यहाँ भी कवर हो जाएगा आपका और प्लस टू में भी कवर हो जाएगा अच्छे से. चैप्टर 10 जो है थर्ड यूनिट का दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. इसमें आपने पढ़ना है माइटोसिस मियोसिस के बारे में. ये जो यूनिट है थर्ड ये आपकी आएगी 13 मार्क्स की. नेक्स्ट चलते हैं यूनिट फोर दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी और यूनिट 5 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी. इसकी दोनों जो यूनिट्स हैं आपकी 16 मार्क्स की हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही यूनिट है 16 और 16 दोनों की. तो टोटल जो थ्योरी है वो आपकी 60 मार्क्स की आती है, ठीक है, 60 मार्क्स की थ्योरी है आपकी. ये आप लिख लेंगे 60 मार्क्स की थ्योरी है और आपका प्रैक्टिकल जो रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा और 15 मार्क्स जो है आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है जो टीचर्स लोग लगाते हैं आपके अटेंडेंस के बेस के ऊपर, आपकी पूरा साल जो है परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पे आपको नंबर लग जाते हैं. तो यूनिट 4 देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स की 16 मार्क्स की और ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 ये भी 16 मार्क्स की. अब इसमें क्या पढ़ना है हमने, देखो प्लांट और ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़नी है. अब फिजियोलॉजी क्या होती है, जैसे प्लांट की फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे इसका, जैसे ह्यूमन की फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, पाचन तंत्र जिसको आप बोलते हैं, श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं, रक्त परिवहन तंत्र जिसको बोलते हैं, ये सारे मतलब ह्यूमन की बॉडी किस बेसिस के ऊपर काम करती है, कौन कौन से सिस्टम इसके अंदर हैं जिनके उसके ऊपर ये काम करती है. और प्लांट फिजियोलॉजी में ऐसे ही आ जाएगा. अब इसके अंदर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम तो होगा नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होगा, श्वसन तंत्र पाए, तो इसके अंदर कौन से सिस्टम है, इसकी बॉडी कैसे काम करती है, तो ये हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है. और धीरे धीरे देखो जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा तो आपको नॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छा होता जाएगा. और देखो प्लस वन का जो सिलेबस है दैट इज़ रिलेटेड टू प्लस टू इन एवरी सब्जेक्ट, नॉट इन बायोलॉजी बट इन फिजिक्स आल्सो एंड इन केमिस्ट्री आल्सो. तो आपने प्लस वन बेशक बोर्ड हो या ना हो ये सोच के आपने नहीं चलना है. तो इसमें जो प्लस वन का आपको जितना ही क्लियर होगा कंटेंट उतनी ही आपको प्लस टू में आसानी होगी,
प्लस वन में यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ाऊंगी मैं, जो आपको नहीं आता है समझ में वो पूछ लेंगे, और प्लस वन में आपका जितना अच्छा हो जाएगा, जितना बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, लेकिन जितना आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब जितना आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होगा, प्लस टू में आपको उतनी आसानी रहेगी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में एंड इवन बायोलॉजी में। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हूँ, एंड दिस इज़ अ सिलेबस। अभी ये क्या करना है आपने, सिलेबस जो है वो आपने अपनी फेयर कॉपी जो लगानी है बायो के लिए, वो फर्स्ट पेज पे आपने लिख लेना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिख लेना है, जैसे आपने लिख लेना कि थ्योरी 60 मार्क्स की आती है, प्रैक्टिकल हमारा 25 मार्क्स का रहता है, और हमें इंटरनल असेसमेंट दैट इज आईए वो भी आपको 15 मार्क्स की लगती है, तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का। ये आप लिख लेंगे ताकि आपको सबसे पहले ये पता हो कि कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट और हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस तो थोड़ी बाद में शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप इस सिलेबस को समझ लेंगे। और अभी मैंने आपको चैप्टर्स की डिटेल नहीं बताई है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये बेसिक ही है। प्लस वन जो है आपने पहले, मुझे नहीं पता आप कैसे थे पढ़ने में कैसे नहीं, लेकिन अब जो है आप अच्छे से शुरू करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम लगती है, आपकी कोई भी क्वायरी होगी स्टूडेंट, आप ग्रुप पे आप मैसेज डाल देना, डायरेक्ट मेरे को कॉल कर लेना, जैसे भी आपको ठीक लगता है। थैंक यू क्लास, और आप होमवर्क आपका यही रहा, राइट डाउन द सिलेबस एंड राइट डाउन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू क्लास।